एनसीईआरटी का सवाल है और बोर्ड में शायद अभी तक तो स्टेट बोर्ड में पूछा गया मेरे ख्याल से। हाँ देखो बोर्ड में आए हैं ऐसे सवाल और भी आगे आएंगे, जरूरी कि भाई सारे सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया है ये सवाल। और ये एनसीईआरटी का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल, इसमें कई सारी चीजें इन्होंने पूछ रखी है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछ रखा है। देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑफ 4×10⁻¹ लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहला तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि भाई यहां पर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 4×10⁻¹ है, ठीक है, ये चार्ज यहां पे दे दिया और इस चार्ज से इस पॉइंट पी पर, यानी कि जो कि कितना है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है जो पॉइंट पी है, यानी 9×10⁻², इस पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो भाई फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, पहले का तो फॉर्मूला ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी दैट इज के क्यू बाई आर, है ना, के की वैल्यू 9×10⁻⁹ और चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज है 4×10⁻⁷ अपॉन में आर 9×10⁻², 9 से 9 कट जाएगा भाई, 4 बचा, 4 गुना में 9 में से 7 गया 2, 2 जमा 2 कितना हो गया 4 हो गया, इतना वोल्ट ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा। चलो एक सिंगल चार्ज जिसका मतलब जिसकी वैल्यू माइक्रो में है वो इतना हाई पोटेंशियल 40,000 वोल्ट तक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, इतना वोल्ट के वोल्टेज क्रिएट कर रहा है, आप ये देखिए। अब आगे देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज 2×10⁻¹ फ्रॉम इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी से एक अनादर चार्ज है That is 2×10⁻¹ टेस्ट चार्ज, लेट कर लो कुछ भी, लेट कर लो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आया जा रहा है, तो पूछा गया कितना वर्क डन इस चार्ज को लाने में लगा। तो भाई सेकेंड वाले पार्ट में वर्क डन निकालना है, और मैंने बच्चों एक बात बताई थी, वर्क डन जब भी आप निकालो तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला, चार्ज इंटू में पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, चार्ज इंटू में पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जो हमने वीपी पे पोटेंशियल निकाला है, तो भाई इसका जो पोटेंशियल यहां पे होगा और इस चार्ज को इंटू कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। तो भाई चार्ज कितना है 2×10⁻¹, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ रहा है 4×10⁴ आ रहा है ना, सो 2×4 हो जाएगा 8×10⁻¹ जूल, इतना वर्क डन लगेगा। अब सवाल काफी इंटरेस्टेड इन्होंने पूछ रखा है, बहुत ही थ्योरेटिकल सवाल है, पूछा गया है कि मान लो चार्ज को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके यहां लेके आ गए, या ऐसे ऐसे करके लेके आ गया, ऐसे ऐसे करके लेके आ गए, ठीक है, ये कोई भी पाथ इस तरीके से फॉलो कर दे, कर्व कर दिया, सर्कुलर घूमते 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 ये पी तक पहुंच गया, तो पूछा गया है कि ये जो हमने पाथ फॉलो किया है, मतलब इस चार्ज को लाने में जो पाथ फॉलो किए गए हैं, क्या इस पर डिपेंड करेगा? नेवर। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन ऑलवेज बाय एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इज कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करेगा, ना कि कौन सा किस तरीके का लूप पाथ फॉलो किया जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो भाई आंसर क्या आएगा? नहीं, यानी नो, यानी चार्ज जो वर्क डन है, जो वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज डज नॉट डिपेंड एनी काइंड ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ, इट जस्ट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन।